नवी मुंबई के एनसीपी और कांग्रेस पदाधिकारियों ने थामा सपा का झंडा। समाज सेवी अफसर इमाम बने नवी मुंबई जिलाध्यक्ष। मनपा चुनाव में जोर दिखाएगी पार्टी। नवी मुंबई एनसीपी और कांग्रेस को जोर का झटका देते हुए आज नवी मुंबई के दर्जनों बड़े पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इनमें हिंदी भाषी नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नवी मुंबई प्रवक्ता अफसर इमाम, कांग्रेस के उत्तर भारतीय सेल के जिला अध्यक्ष अवधेश शुक्ला, कांग्रेस के जिला सचिव पप्पू यादव, एनसीपी सेवा दल के तालुका अध्यक्ष संजय दुबे तथा समाज सेवी सुल्तान खान और नूर आलम का नाम प्रमुख रहा, जिन्हें सपा के प्रदेशाध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने पार्टी में प्रवेश करवाया। इस अवसर पर हिंदी भाषी नेता अफसर इमाम को नवी मुंबई सपा का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त करते हुए सपा प्रांताध्यक्ष आजमी ने कहा कि अफसर इमाम के नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी नवी मुंबई मनपा चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। नवी मुंबई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए सपा प्रदेशाध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज नई मुंबई के बहुत सारे लोग, कोई राष्ट्रवादी पार्टी से, कोई कांग्रेस पार्टी से, कोई शिवसेना से, कोई बीजेपी से छोड़कर लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और वहाँ एक संघर्षवादी नेता सैयद अफसर इमाम को नई मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया है और उसी के साथ साथ अवधेश शुक्ला जी को नई मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया गया है और कन्हैयालाल यादव जी को महाराष्ट्र प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और साथ साथ बहुत सारे लोग जिनको पद दिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी नई मुंबई में पूरी ताकत के साथ उतरेगी, और क्योंकि हमारा वोटर वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा संगठन वहाँ नहीं था, हमारा संगठन अब बन रहा है, तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ वहाँ अपने बलबूते पर वहाँ मैक्सिमम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। इसलिए आज यहाँ जितने लोग आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ अभी बहुत सारे हज़ारों कार्यकर्ता जो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग जब जाएंगे वहाँ पे, तो और लोग ज्वाइन करेंगे और समाजवादी पार्टी एक पूरी ताकत के साथ नई मुंबई में घूरेगी। बता दें कि अफसर इमाम नई मुंबई की राजनीति में बीते 20 वर्षों से सक्रिय हैं। गणेश नाइक और राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े रहे अफसर इमाम एक सक्रिय समाज सेवी और हिंदी भाषी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अपनी नियुक्ति को बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अफसर इमाम ने कहा कि उनकी कोशिश राजनीतिक दलों द्वारा उपेक्षित हिंदी भाषियों को जोड़ने और उन्हें सम्मान दिलाने की होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी नई मुंबई मनपा चुनाव में तेजी से उभरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।